क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से वेलकम टू बायोमेंट्रक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर जीतेन सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में हम जिस चैप्टर में हैं वो है फोटोसिंथेसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है ठीक है ऐसा कभी नहीं होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी पर क्वेश्चन आए और फोटोसिंथेसिस से एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा नहीं होगा इसलिए याद रखिएगा बेटा कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं पूरे बायोलॉजी में जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन करता ही करता है और हमें उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ताकि एक भी क्वेश्चन वो करता है दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन पूछे आते हैं जनरली तो वो आपके गलत नहीं होना चाहिए और याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन से फर्क पड़ता है ठीक है क्लियर चलिए तो आज हम बात करेंगे बेटा फोटो में आगे बात करेंगे पिछली क्लास में हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है हमने देखा था नॉन साइक्लिक फोटो फास्ट कैसे होता है साइक्लिक कैसे होता है तो पिछली क्लास में हमने बियॉन्ड दी एनसीईआरटी जाकर कुछ बात की थी अब हम वापस एनसीईआरटी में लौट कर आएंगे और देखेंगे कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें उसके बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा है और आगे के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे ठीक है तो कुछ बार क्या होगा बेटा कुछ बार ऐसा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो जो ब्रीफली रिवाइज करनी पड़ेंगी हमें उनको दोबारा से एक बार पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो क्योंकि देखिए जब हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं तो कई बार चीजों का रिपीटेशन होता है तो मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं बेटा कि आप ये सोचा कीजिए कि लेक्चर के दौरान ही आपको याद करना है यानी ड्यूरिंग लेक्चर ही आपको चीजों को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है है ना बाद के लिए कुछ नहीं बाद के लिए तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है हमको क्योंकि देखिए यदि आप बिल्कुल मेटिकुलसली आप बायोमेट्रस को फॉलो करते हैं तो आपका लेक्चर खत्म होने के बाद आप डीपीपी सॉल्व करते हैं ठीक है आप जो है वो परफॉर्मेंस शीट पढ़ते हैं तो आपके पास उतना वक्त ही नहीं होता कि आप कुछ और कर सके तो आपको बस अपना जो वक्त मिलता है उसमें एमसीक्यू लगाइए ठीक है इट्स अ परफेक्टली फुल प्रूफ क्लासेस क्लासेज जिसमें कि हम जो है आपको पूरी समय इन्वॉल्व करते हैं मॉर्निंग बारह बजे से लेकर आप रात के आठ बजे तक इन्वॉल्व रहते हैं हमारे साथ में ठीक है

फॉर्मूला बताएंगे क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे के इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेटनॉइड्स कैरेटनॉइड्स इन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में कैरेटनॉइड का इंपॉर्टेंस क्या होता व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेटनॉइड्स इन फोटोसिंथेसिस के आप बताएंगे मुझे कि व्हाट इज द रिएक्शन सेंटर व्हाट इज द रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड में रिएक्शन सेंटर क्या होते हैं ये भी आप मुझे बताएंगे एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसका मतलब क्या होता है ये सब चीजें बड़े ध्यान सुना करो बेटा और उसका आंसर करने की कोशिश किया करो है ना बच्चा ठीक है क्योंकि आप देखो यार है ना ऐसा है ना हम रिकॉल नहीं करेंगे रिवाइज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा है ना बेटा ठीक हो तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला बताएंगे आप आप मेरे को आप बताएंगे मुझे कि का क्या सिग्निफिकेंस होता है क्या काम करते हैं वो और पिगमेंट फोटोस्टम फर्स्ट और फोटोस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर क्या है वो भी आप मुझे बताएंगे और आप ये बताएंगे कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं क्लियर चलिए देखो तो पिछली क्लास में बेटा हमने देखा था कि नॉन फोटो क्या होता है तो चलो एक एक काम करते हैं एक छोटा एक सा प्रश्न और और मुझे बता दीजिए उसका आंसर और कर कि नॉन फास्फोराइलेशन में आपके अंतिम उत्पादन में फाइनल आपको क्या मिलता है कि फाइनल आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है ठीक है क्लियर देखो बेटा ये हम देख रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं यहां पे हमें ना इमेज है क्लियर चलिए अब देखो पिछली क्लास में क्या देखा था हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है उस लाइट रिएक्शन के बारे में कैसे मालूम चला था तो ये भी मैंने बताया था इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट से मालूम चला था हमने रेड ड्रॉप फिनोमिना की बात की थी हमने याद आया कुछ रेड ड्रॉप क्या होता है इमर्शन इनहांस इफेक्ट क्या होता है तके? तो मैंने आपसे कहा था कुल मिलाकर तो होता है, वाटर है और उससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन फिर मूव करते हैं एनएडीवी प्लस तक पहुंचते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि नॉन साइकिल फोटोफासन में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है क्या बात है वॉटर के और में इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है एनएडीपी, एनएडीपी एनएडी प्लस। चलो, NADP का फुल फॉर्म बताओ, है ना डीपीपी का क्वेश्चन था पता नहीं तुमने सही किया कि नहीं किया एनएडीपी का फुल फॉर्म बताओ क्या देख रहे हो इधर उधर उधर आपसे पूछ रहा हूं आंसर करना है चलो है ना तो देखो बेटा तो आप जो है सनलाइट का कैसे इस्तेमाल हुआ ये भी हमने देखा है यहाँ पेट के तो कुल मिला के हमने देखा कि जो लाइट रिएक्शन के जो उत्पाद हैं जो प्रोट है लाइट रिएक्शन के वो क्या है बेटा वो है ए है वो एनएडीपीएच है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और इन ए टीपी पी का इस्तेमाल कहाँ होता है वो डार्क रिएक्शन में होता है सी को फिक्स करने में होता है ठीक है कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए बेटा जैसे देखो यहां पर भी जब मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे दिमाग में एक बात तो क्लियर थी कि जब हम रेस्पायरेशन पढ़ेंगे कोशिकी की शोषण पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है और जो ईटीपी फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, है ना बेटा

ये पाया था फेरिक आयन इलेक्ट्रॉन को लेगा फेरस बन जाएगा ठीक है इलेक्ट फेरस इलेक्ट्रॉन को आगे इलेक्ट्रॉन को आगे आगे इलेक्ट्रॉन को देगा वापस से फेरिक बन जाएगा तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन लेना और देना यानी साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को जब रिसीव करता है तो फेरिक आयन इलेक्ट्रॉन लेता है फेरस में कन्वर्ट होता है और फिर फेरस इलेक्ट्रॉन आगे आगे ट्रांसमिट करता है वापस से फेरिक आयन बन जाता है तो ये फेरस और फेरिक का कन्वर्जन चलता रहता है जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना होता है उस दौरान ठीक है ना क्लियर साइटक्रोम क्या होते हैं साइटक्रोम आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंटेनिंग आयरन पोरफाइर ग्रुप ठीक है इसमें फेरस और फेरिक आयन हमको देखने मिलते हैं ठीक है ठीके? तो साइटोक्रोम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं जिनमें कि आयरन पोरफाइर ग्रुप पाया जाता है साइटोक्रोम फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय मैकमून हु कॉल्ड इट एज हिस्टोहिमेटिन साइटोक्रोम को पहली बार जो है वो मैकमून ने देखा इसको उन्होंने हिस्टोहेमेटिन कहा बाद में डी कैलिन ने जो है वो इनको रीडिस्कवरी किया का और इनको साइटोक्रोम साइटोक्रोम टर्म दिया ठीक है क्लियर डी ने इसके लिए वर्ड का यूज किया और हिस्टोहेमेटिन के रूप में इसकी खोज की थी मैकमून ने यूबी जो होता है वो हम कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं इसको भी जो ये भी इलेक्ट्रॉन कैरी करने में रोल प्ले करता है तो यूबी इज अ मॉलिक्यूल दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन टू कैरी द इलेक्ट्रॉन और इसको आर ए मोर्टर ने डिस्कवर किया था ठीक है

बाकी सब जगह तो कोर्स पूरा भी हो गया है रिवीजन भी चल रहा है ऐसा भी हो गया देखो तो भैया ऐसा है हम यार है ना कम बुद्धि के आदमी है हमको वक्त लगता है पढ़ाने में हम बहुत होशियार नहीं है कि हम जो है उतने टैलेंटेड नहीं है कि आपका कोर्स जो है वो चार क्लास में पूरा कर दें एक चैप्टर को क्योंकि कारण यह है कि चैप्टर की डेप्थ इतनी है कि आपको उसको समझेंगे नहीं उस डेप्थ तक नहीं जाएंगे ना आप तब तक काम नहीं बनेगा तो भैया मैं ऐसे विद्वान लोगों को ऐसे जीनियस लोगों को जो फटाफट कोर्स पूरा कर दिए उनको मैं जो है वो सत -सत नमस्कार करता हूं मेरे साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो मैं ये मानकर चलता हूं कि मैं ही एग्जाम दे रहा हूं इसलिए मुझे समझाते हुए पढ़ना है समझाते हुए आगे चलना ठीक है ठीके? क्योंकि देखो क्या होता है कि इट इज नॉट अबाउट टू कंप्लीट द कोर्स बिफोर मच बिफोर द एग्जाम उट टू रिटर्न द इंफॉर्मेशन इन कि कितना हमें रिकॉर्ड याद रहता है एग्जाम के पढ़ाई कितना चीजों को समझा है हमने कितना फील किया दैट इज मोर इंपॉर्टेंट समझ गए ना क्योंकि वो गलती जो सालों से बार बार करते आ रहे हैं ना वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए गलती वोट के इस बार आर या पार और हम फोड़ के आएंगे इस बार ठीक है ना बायोमेंटर से कमांडोस की होगी सब जगह भरमार ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होगा जहां पर बायोमेंटर का कमांडो प्रेजेंट ना हो होके मैं कह रहा हूं आपसे और ये आप ही करेंगे ये ये मैं मैं नहीं नहीं करूंगा एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक क्रेडिट क्रेडिट कोई credit लाना चाहता हूं आपका मेहनत है आप ही करेंगे और आपके अंदर इतना सामर्थ्य आप कर सकते हैं ठीक चलो तो अब हम एनसीआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है टाइटल है का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोस्कम सेकेंड चलिए हम समझ गए बात बात कि तुम किसकी बात कर रहे हो तुम एनसीआर होिएमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जम्प इन टू एन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम दी न्यूक्लियस के तो मैंने आपसे कहा था बेटा साफ साफ समझा हुआ स्टेटमेंट को हमने हमने कहा हुआ है कि हमेशा फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में जो पहला स्टेप होता है एक्साइटेशन ऑफ है, है क्लियर तो और हमने कहा था आपसे पिगमेंट सिस्टम सेकंड में जो रिएक्शन सेंटर है वो है क्लोरोफिल ए का एक, एक स्पेसिफिक फॉर्म जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है और उसको हमने कहा था P680 कहा था इसको हमने द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मैंने कहा था ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं बेटा ठीक है और ये iron protein various नाम से पुकारते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद ये देते हैं जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास गया प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया then के पास प्लास्टिक

यहां साइटकोम बी सिक्स और साइट इन्वॉल्वमेंट के अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैसे, वैसे वैसे वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा ठीक मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जंप 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 किया देखो, जंप किया देखो करके यहां पहुंच गया अब जैसे जैसे वो नीचे आएगा ना साइटकोम से नीचे आएगा वैसे वैसे वो एनर्जी को लूज करेगा तो हम क्या बोलेंगे डाउनहिल ट्रांसपोर्ट क्या बोलेंगे उसको डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डाउनहिल होगा नीचे की ओर होगा ठीक है क्लियर

चुकी, क्यों पूछेगा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है और हमने पिछली क्लास में समझा था हमने चलो दोबारा देखते है उस चीज़ को। पहले देखते हैं हैं उस चीज को हम पहले क्या लिखा है यहां दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मतलब फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो धीमे धीमे रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर भी आप मेजरमेंट करेंगे आप देखेंगे कि वो अपना एनर्जी को लूज करता हो नीचे की तरफ आ रहा होता है ठीक है देखिए ध्यान से

फिर क्या हुआ इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया उसने स्प्रिटिंग ऑफ वाटर हुआ इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया इलेक्ट्रॉन ऊपर प्राइमरी एक्सेप्टर आ गया प्राइमरी एक्सेप्टर आ गया फिर हमने कहा साइटोक्रोम बी सिक्स आ गया साइटोक्रोम एफ आ गया ठीक है प्लास्टो आ गया इलेक्ट्रॉन आया अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने पूरी एनर्जी लूज नहीं की है

ठीक है तो क्या हुआ है बेसिकली पी सेवन एड मॉलिक्यूल है और ये यहाँ पर यहां पर साइटोकोम रहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को डाउन मूवमेंट कराएंगे जैसे इलेक्ट्रॉन पी सेवन के पास पहुंचा तो एलक, फिर से लाइट एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन वापस बाउंस कर गया और फिर एनएडीपीएच में चला गया हो है ना देखिए नाउ सी इमेज वेरी क्लियरली टेक्स को देखो ध्यान से ना देखो बच्चे आप यदि बेटा आप देखोगे नहीं ना ध्यान से चीजों को तो आ, मैं क्या होता दो तरह के स्टूडेंट एक्चुअली यहां पर मेरे पास में एक तो वो है जो बुरा नहीं मानना मेरी बात देखो मैं कड़बा कई बार बोलता हूँ बेटा और कई बार मेरी बात चुप जाती है किसी को बुरी लग जाती है है ना फिर वो उल्ट उल्टी सीधे कमेंट करते हैं तो लेकिन बेटा देखो ऐसा एक गुरु का कर्तव्य है कि वो आपको सच भी बतलाए बतलाएके तो मैं ये बोलता हूँ फिर कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने के नाम पर केवल लेक्चर चला दिया देख रहे हैं ध्यान कहीं हो रहे हैं खिड़की से बाहर देख रहे हैं इधर देख रहे हैं सोच रहे हैं मन में कि ना कि ऐसा हो गया है ये हो गया है फिर मतलब तमाम था आप क्या सोच रहे हो ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको लेकिन ये कि कई बार ऐसे लोग से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डेडिकेटेडली ये मान लिए हैं कि ये गुरु दुराचार जैसे सर हमारे साथ में हट के जिनका दिल का तार जुड़ चुका है मेरे से वो जानते ही यदि वो इधर उधर देखेंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा और मुझे बहुत दुख पहुंचेगा उस चीज का कि आप पढ़ने को संजीदा नहीं ले रहे मैं आपसे बेटा बहुत प्यार करता हूं मैं चाहता हूं आप सफल हो लेकिन प्रॉब्लम समस्या वही है ना कि यदि आप स्वयं अपने दुश्मन बनेंगे अपने आप को आप डेविएट करेंगे तो मैं क्या भगवान भी धरती पर जाए कुछ नहीं कर सकता आपका इसलिए बेटा अपने आप को डेबिट मत ये जो साल है ना ये जो आपके आपके पास कुछ मौका जो आया है आपके पास में इस मौके से अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं आप कोई जादू की उम्मीद मत कीजिए कोई चमत्कार हो जाएगा वो भी मत सोचिए कोई आपको जो है वो यहां से वहां पहुंचा देगा ये भी मत सोचिए ईश्वर आपके अंदर है अल्लाह आपके अंदर है गॉड आपके अंदर है वाहु गुरु आप, गुरु आपके आपके अंदर सब सारे ईश्वर के इतने रूप होते हैं वो सब आपके अंदर हैं आप स्वयं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को जो है यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं लॉन्च कर सकते हैं फर्क इतना सा है कि हमने अपनी आत्मा के ऊपर बहुत सारी धूल जमा रखी है हमें उसको हटाना उसको हटाना है हमको फोकस करना है इस चीज पर कि हम अपने आप को जो है वो आगे ले जा सकें अपने सपनों को हम रियलाइज कर सकें है ना बेटा इस चीजों पर ध्यान दिया करो मुझे मालूम से रहता है कि आज थोड़ा ध्यान इधर उधर है आज थोड़ा सा मन भी कम कर रहा है पढ़ने का सब मालूम से रहता है कैसे मालूम चलता है ये राज की बात है और ये राज किसी को नहीं बताऊंगा चलिए अभी, अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा अभी हम देख रहे हैं यहां पर कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा दिखाई पड़ रहा है थेलेकॉइड ल्यूमन दिखाई पड़ रहा है थेलेकॉइड की मेम्ब्रेन देख रहे हो आप दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ द थेलेकॉइड जो आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा ये क्या ये membrane membrane है ये मेम्ब्रेन किसकी मेब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है ये थेलेकॉइड की मेम्ब्रेन है उस की में में आप आप देख देख रहे रहे हो हो सेकंड, सेकंड दोनों प्रेजेंट पे और क्या ध्यान से देखिए फोटो सिस्टम सेकंड में ध्यान देखिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल का पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्रेजेंट होता है और इस ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स को हम एसएन भी भी कहते हैं, भी कहते हैं, हैं ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स ठीक है? मैग्नीज़ और क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है तो वाटर का स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर रिलीज किया प्रोटॉन भी हाँ प्रोटॉन जो है वो के के अंदर ही रहेंगे, को क्रॉस करके बाहर नहीं जाएंगे ठीक है क्लियर अब पिगमेंट्स स्टम सेकंड ने इलेक्ट्रॉन को लिया इलेक्ट्रॉन को उसने किसको दिया इलेक्ट्रॉन को उसने जो है वो देखिए देख प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहां गया प्लास्टो के पास गया प्लास्टो ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया साइटोक्रोम बी6 को दिया साइटोक्रोम बी6 ने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम एफ को दिया साइटोक्रोम एफ ने इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसाइनिन को दिया प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दिया बेटा वो उन्होंने पिगमेंट्स स्टम फर्स्ट के पी सेवन को दिया पी सेवन को फिर से लाइट मिला और उसने इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया उसने और इलेक्ट्रॉन जो है फरीडॉक्सिन के पास गया फरीडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एन के प्लस के पास गया और एन ए एच बन गया

वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये जो आप दिख रहे हैं बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है के? तो भूलना नहीं इसको है ना बेटा है ना ठीक है आगे बात करते हैं इसमें द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट दे आर पास ऑन दिगमेंट ऑफ द प्रोटोस्टम फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम सेकंड से निकलते हैं निकलने के बाद वो इस्तेमाल नहीं होते वे लगातार मूव करते हैं और फोटोस्टम फर्स्ट तक पहुंचते हैं देखा भी हमने साइमलटेसली द इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो क्या होता है पी सेवन एंड होता है रेड लाइट ऑफ दंडोमीटर एंड ट्रांसफर टू दीडर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट के तो मैंने क्या कहा आपसे कि पिगमेंट्स हम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलते हैं और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एक्सेप्टर तक पहुंचते हैं जो कैसा क्या 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 होता है प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, होता है वो और इस पर ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल होता है मतलब ये हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच जाते हैं कहने का मतलब इसके ठीक है इलेक्ट्रॉन देन मूव डाउन हिल अगेन टाइम ए मॉलिकूल ऑफ एनर्जी रिच इज एन तो देखिए फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है और NADP उस को अपने पास में रख लेता है ठीक है क्लियर देखा हमने अभी थोड़ी देर पहले इससे क्या होता है इससे NADP प्लस जो है वो NADPH एडीपीएच डॉट एच में कन्वर्ट हो है यानी क्या लिखते हैं इसको एन एडीपीएच

सेकंड से इलेक्ट्रॉन का होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट अपहिल जाता है इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ठीक है अपहिल के बाद क्या हुआ इसका डाउनहिल हुआ इसका नीचे की ओर आया ये ठीक है फिर इसके बाद पिगमेंट सम फर्स्ट ने फिर इसको बाउंस किया इलेक्ट्रॉन को फिर से अपहिल गया ये अपहिल गया और फिर नीचे एनएडीपी प्लस के पास आया फिर से डाउनहिल गया ये है ना ऐसे तो हो रहा है देखो

अपहिल अपहिल अप हिल रखना। छिपा हुआ क्वेश्चन है एनसीआरटी का ये। और दी, आर प्लेस इन सीक्वेंस के। तो जब आप सभी को रेडॉक्स पोटेंशियल पे रखते हो तो आपको Z के समान जो है वो सीक्वेंस देखने मिलता है इसलिए इसको हम Z कहते हैं। क्लियर ठीक है देखिए दिस इज दी Z स्कीम हमने रख दिया इसको हमने के, हम जो बात कह रहे हैं आपसे बेटा अब आप समझिए कि पी सिक्स एट्टी देखो वाटर से इलेक्ट्रॉन लिया

z स्कीम कहते हैं इसे हम ठीक है क्लियर दिस इज द z स्कीम तो एकदम बेटा अटेंटिव रहो और एक-एक चीज को अच्छे समझो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पर प्लांट फिजियोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग एक बार पढ़ लोगे कभी लाइफ में नहीं भूलोगे उसको आप अब बात करते हैं पानी कैसे टूटता है वाटर का, देखो एक बात ध्यान रखना वाटर का डिसोसिएशन एक अलग चीज है वाटर एच और OH में हटा, अलग हुआ, फिर जुड़ गया फिर से H2O बन गया, that is the dissociation. के, मतलब मैं बोलता आपसे कि H2O है, और ये OH कन्वर्ट दोनों दिशाओं में ठीक दिख, मतलब है? Water, ना? लेकिन जब हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा की आप स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो वाटर जो है उसका हाइड्रोजन आयन जो होता है वो कंज्यूम होता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं उसको यूज कर लेते हैं उसको ठीक है और हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वो रिअरेंज होता है वो रिअरेंज करता, करता है अपने आप को और ऑक्सीजन को रिलीज करता है वाटर को बनाता है वो ठीक है चलिए देखते हैं कैसे हाउ डस फोटोस्टम सेकंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे कैसे फोटोसिस्टम सेकंड लगातार इलेक्ट्रॉन की सप्लाई को मेंटेन करता है उसके पीछे का आंसर यह है कि ये वाटर को तोड़ता है और उससे इलेक्ट्रॉन को निकालता है और उन इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन दे दैट वेर मूव्ड फ्रॉम

मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना पते की बात है कि ये कि वाटर को नॉर्मली आप लाइट में रख के तोड़ नहीं सकते उसका स्प्लिटिंग वाटर आप नहीं कर सकते उसके लिए आपको जो है वो एंजाइम चाहिए एस एन स्ट्रेट वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम एंड क्लोरीन ठीक है ये भी चाहिए यहां पे ठीक है ये रिक्वायर्ड होते हैं इसकी स्प्लिटिंग इलेट के और देखिए अब क्या हुआ बेटा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूटा उससे क्या बना बनाया बन गया कायदे देखो हमें मालूम है कि डिसोसिएशन होता ना तो एक हाइड्रोजन आयन बनता है एक हाइड्रोक्सिल आयन बनता है तो पहले स्टेप में तो डिसोसिएशन ही होता है लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है वो झट से उसको जो है वो उसके प्रोटोन को एनएडीपी को दे दिया जाता है ठीक है वो एनएडीपी के पास चला गया और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले जो हाइड्रोक्सिल आयन को रीअरेंज किया उसके जो इलेक्ट्रॉन निकले इन इलेक्ट्रॉन को कहा दिया हमने रिप्लेस कर लिया अपने पास ले लिया और ऑक्सीजन को उसने बाहर निकाल लिया उसने ठीक है ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर दिया तो कुल मिलाकर बात यह है कि वाटर ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको ये स्टेप ये वाटर का स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है दिस इज नॉट ऑफ वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ठीक है देखिए ध्यान से क्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है प्रोटोन को प्रोवाइड कर रहा है और उसके इलेक्ट्रॉन को लगातार फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है एनएडीबी प्लस के पास पहुंचता है क्लियर देखिए ना आप ठीक है वो 2H2O, 4 निकले, 4 निकले, दो ऑक्सीजन एटम निकले जो ओटू में कन्वर्ट हो गए यहां और देखिए इलेक्ट्रॉन इसे कैरी किया जाता है Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors.

ऑक्सीजन वन ऑफ दी नेट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू रिप्लेस तो इलेक्ट्रॉन गया वाटर से इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन मूव किया साइटोक्रोम के थ्रू फूड फर्स्ट के पास गया और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है एनएडीपी प्लस के पास गया ठीक है ना दिस इज the... कि इलेक्ट्रॉन का सफर क्या है हमको ये मालूम चला ठीक है

वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है जो वाटर को तोड़ रहा है वो ल्यूमेन में होता है याद रखिए ल्यूमेन में यहां होता है मेम्ब्रेन के इनर साइड इट इज फिजिकली अटैच्ड टू दी इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इट इज नॉट इन ल्यूमेन इट इज ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड बिल्कुल मत भूलना बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं कह रहा हूं दिमाग में डाल लो कि फोटो सिस्टम सेकेंड में वाटर को तोड़ने वाला जो कॉम वाटर स्प्रिटिंग कॉम्प्लेक्स है या वाटर आ, को तोड़ने वाला हम एसएन स्टेट है या एन कॉम्प्लेक्स है वो थैलेक्वाइट की पर इनर पाया है। कि जब वाटर होगा तो वो, हो वो, जो जो वो वाटर होगा और प्रोटॉन जो छूटेंगे जो टूटने के बाद जो प्रोटॉन छूटेंगे जो हाइड्रोजन आयन छूटेंगे वो ल्यूमेन के अंदर इकट्ठे होंगे वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भूलना नियोट फिर से रिपीट कर रहा हूं जो फोर्टोस्टम फर्स्ट है फोर्टोस्टम सेकंड है वो सब की पर है। से वाटर का इस्तेमाल करता है और वाटर को तोड़ेगा तो ल्यूमेन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन इकट्ठा होगा और ऑक्सीजन भी ल्यूमेन से निकल के बाहर जाएगी फिर ठीक है ना क्लियर चलिए अब बात करते हैं कि एनसीआरटी में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फास्ट प्रोडेशन के बारे में एनसीआरटी में क्या लिखा है ठीक है हम पढ़ चुके हैं मुझे मालूम हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं और एनसीईआरटी में क्या लिखा है देख लेते हैं देखिए लिविंग द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेज एंड स्टोर दिस इन दॉर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ठीक है जीवित जीवों में क्षमता होती है कि वो मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से निकलने वाली एनर्जी को जो है बॉन्ड बनाकर अपने पास रख सकते हैं और ऐसा ही बॉन्ड होता है एटीपी भाई व्हाट इज एटीपी एटीपी द एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट के इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल उसमें हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड पाए जाते हैं तो एक्चुअली में जो बॉन्ड के पास में जो हाई एनर्जी फॉस्पेट बॉन्ड है उसमें ऊर्जा स्टोर होती है तो कहने का मतलब यहां पर कि जीवित जीवों में क्षमता होती है कि वो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से निकलने वाली एनर्जी को अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं बॉन्ड के फॉर्म में और ऐसा ही एक मॉलिक्यूल होता है इज दी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज दी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है ना बेटा ठीक है है ना और एटीपी के बनने को बोलते हैं फास्फोराइलेशन क्योंकि एटीपी बनाने के लिए क्या होता है एडीपी में हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ता है तो एटीपी बनता है तो उससे क्या बनेगा एटीपी बनेगा ठीक है और ऐसा बोल सकते हैं कि एडोनोसिन मोनोफॉस्फेट उसमें फॉस्फेट जुड़ा एडीपी बन गया एक फॉस्फेट और जुड़ा तो वो एटीपी बन गया ठीक है तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं कि जो एटीपी है उसमें फास्फेट हाई एनर्जी फास्फेट एटीपी के बनने को मेरी बात ध्यान से सुनिए फर्क इतना सा है कि माइट्रोकोड्रिया में जब फास्फोराइलेशन होगा माइट्रोकोड्रिया में जब एटीपी बनेगा तब वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो हम बोलते हैं उसको ऑक्सीडेटिव हम बोलते हैं उसको ऑक्सीडेटिव राइलेन जो हमको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने मिलता है क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा हमें ग्लूकोज को यूज नहीं करना है हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो वो कहलाएगा लाएगा क्या कहलाएगा क्लोरोप्लास्ट में फोटोफासफोराशन बोलेंगे हम

टू फोटोस्टम वर्क इन ए सीरीज जब दो फोटोस्टम एक साथ एक सीरीज में काम करते हैं पहले पिगमेंट फोटोस्टम सेकंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है फिर फोटोस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है फिर उसको इजेक्ट करता है इसे हम नॉन साइक्लिक फोटो कहते इलेक्शन हैं क्योंकि देखिए यदि आप देखेंगे सबसे पहला इलेक्ट्रॉन देने वाला वाटर वाटर के बाद पी सिक्स के पास इलेक्ट्रॉन आया वहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया कहाँ गया बेटा आयरन सल्फर कंपाउंड में गया प्लास्टो में गया फिर साइटोक्रोम बी सिक्स में गया साइटोक्रोम एफ में गया प्लास्टो में गया फिर पी सेवन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा उसने भी बाउंस कर दिया इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फर कंपाउंड के पास गया वहां से कहा गया वहां से इलेक्ट्रॉन गया किसके पास गया इलेक्ट्रॉन वहां से गया जो है वो फेरेडॉक्सिन के पास गया देन एनएडीपी प्लस के पास गया है ना बेटा चलिए तो ये दोनों फोटो सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है जेड स्कीम के रूप में होता है और यहां पर एटीपी बनता है एनएडीपीएच बनता है बेटा इस तरह के इलेक्ट्रॉन फ्लो में तो ये ये क्या है नॉन साइक्लिक फोटो फास्ट होता है देखा है हमने ऑलरेडी ठीक है देखिए ना ना है 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 ठीक ये ये बड़ा अच्छा ग्राफ है ये बतला रहा प्रोसेस को सिंप्लीफाइड कर रहा है पूरी प्रोसेस को है ना ठीक है ये एनसीआरटी में देखा है बेटा नॉन साइक्लिक फोटो फास्ट जेड स्कीम को शो कर रहा है ठीक वो तो कह रहा है कि आप यहां से लगता है ये फोटोसम सेकंड फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ऐसे पहुंच गए ठीक व्हेन ओनली फोटोसम फर्स्ट इज फंक्शनल जब केवल फोटोसम फर्स्ट काम करता है इलेक्ट्रॉन केवल तब सर्कुलेट होता है इलेक्ट्रॉन का तब यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं होता याद रखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जाता है जेड स्कीम में ठीक है जबकि जब केवल फोर्टोस्टम फर्स्ट काम करेगा सेकंड काम नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होगा विथ इन दी एंड ट्रांसफरशन ऑकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होगा तो एनर्जी को वो रिलीज करेगा तो वहां पर आपको ए बनता हुआ दिखाई पड़ेगा ए पॉसिबल लोकेशन वेर दिस कुड बी हैपनिंग इज दी दिली और ऐसा जनरली हमें कहा देखने मिलता है हमको स्टोमा लेमिली में हमको ये देखने मिलता है आई एम पी है ठीक है। वाइल्ड द मेम्ब्रेन और लेमिली ऑफ द ग्रेना हैव बोथ फूटस्टम्प फर्स्ट एंड सेकेंड तो यहां पर जो है आपको आ,

फोटोस्टम सेकंड नहीं होता है और एनएडी एडी भी नहीं होता है ये ये ट्रू और फॉल्स में बेटा आ जाएगा क्वेश्चन तो वेरी वेरी आईएमपी में कह रहा हूं है तो है। तो इस बार पेपर बेटा जो है वो एनटीए तगड़ा बनाने का सोच रहा है याद रखिए किस लिए बिल्कुल तगड़ी तैयारी रखना है हमको हमेशा अपनी तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि एनटीए तगड़ा पेपर बना देना तो भी हम फोड़ के एग्जाम में और ये जो तगड़ा पेपर मजबूत पेपर है, है। हम बोले कि, कि कठिन पेपर जो है कैसे बनता है वो ऐसे पॉइंट से बनता है उसी एनसीआर से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको देख के आदमी हिल जाए उसे सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं है ना बेटा इसलिए पूरा एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है हमको द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन द एनएडीपी प्लस बट इज साइकिल बैक टू दि फिफ स्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो क्या होता है साइक्लिक फ्लो में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस के पास नहीं जाता बल्कि वो सर्कुलेट करता है इलेक्ट्रॉन ठीक है तो पर केवल और चूंकि साइक्लिक फ्लो एनएडी पी एच यहाँ पर नहीं बनेगा ठीक है और ऐसा कब होता है जब आप सिक्स एट्टी किलोमीटर से अधिक की वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको साइक्लिक फोटो फास्टोशन देखने मिलता है और इस चीज को हमने क्या कहा था रेड ड्रॉप कहा था इसको हमने इसको ही हमने रेड ड्रॉप फिनोमिना कहा था याद है ठीक है आप देख लो एक बार ध्यान से रहा इस ग्राफ को भी ध्यान से देख लीजिए देखिए इस बार क्या किया आपने आपने जो वेवलेंथ इस्तेमाल किया लाइट का वो आपका 680 एट्टी से अधिक का वेवलेंथ था तो देखिए आप कि आपका फोटो सेकेंड को मैंने धुंधला कर दिया वो काम नहीं कर रहा है एंड तो क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो पी सेवन से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो साइकिल बार बार वो जो है साइक्लिक फ्लो को वो शो कर रहा है यहां पर और यहां पे केवल और केवल जो है वो ए का प्रोडक्शन यहां पर होगा यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा ए को प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर और यहां पर जो है फोटोस्टम और देखो अब आप बोलोगे सर की जब अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या एटीपी के बनने का संबंध हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इकट्ठे होने से बिल्कुल सही बात है जब तक बेटा हाइड्रोजन आयन का जो है प्रोटोन प्रोटोनोमोटिव फोर्स क्रिएट नहीं होगा हम बात

प्रोटॉन बाहर से की के ल्यूमेन अंदर जाते थे इलेक्ट्रॉन जब भी क्रॉस होता है बेटा कहीं से तो उस चोच ये चार्ज का अपना एक अट्रैक्शन है इसके चलते क्या होता है कि प्रोटॉन भी अंदर की ओर मूव करते हैं तो जितनी बार भी साइटोकॉम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो बाहर के प्रोटॉन जो स्टोमा के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो ल्यूमेन के अंदर आ जाते हैं इसलिए ये प्रोटॉन ल्यूमेन के अंदर आ चुके हैं यहां पे ठीक है क्लियर ठीक अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर कैसे निकल रहा है काम क्या करता है हम आगे बात करेंगे इसके तो अभी हमने क्या कहा हमने कहा साइक्लिक फोटोफासन में केवल एटीपी का फॉर्मेशन होगा यहां पे एनएडीपीएच भी नहीं बनेगा यहां पर और यहां पर वाटर भी नहीं टूटेगा यहां पर ऑक्सीजन भी बाहर नहीं निकलेगा ठीक है एंड ये दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में क्लियर बेटा तो याद रखना इसको अच्छे से है ना ठीक अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था दो एटीबी बनेगा एनसीआर में तो एक टी भी दिखाई दे रहा है तो ये लकीर के फकीर मत बनो बेटा जो बता पढ़ाया बिल्कुल सही बात है के अरे एक अच्छी बात किसी ने पूछा सर ये लकीर के फकीर फकीरवर्ड का मतलब क्या है ठीक है इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दो मतलब है इसके जो केवल किस्मत पर लकीरों पर यकीन रखते हैं कि इस पर इस से ही सब कुछ होगा तो ऐसे लोग भी जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि ये लकीरें जो होती हैं हाथ की जो लकीरें होती हैं ना ये लकीरें सेकेंडरी हैं प्राइमरीली आप है ठीक है एक बार नेपोलियन बोनापार्ट को किसी ने कहा था नेपोलियन जो है वो आप जानते हैं नेपोलियन के बारे में नेपोलियन सुना होगा आपने तो नेपोलियन जो है एक महान योद्धा थे एक बड़े जो है पॉपुलर व्यक्ति रहे अपने समय में तो नेपोलियन से किसी ने एक बार पूछा कि भाई नेपोलियन ने किसी से पूछा नेपोलियन का को एक बड़े जो है वो मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली से वो थे कोई बहुत रिसोर्स थे नहीं उनके पास तो वो नेपोलियन जो है किसी के किसी ने बताया ये एक, एक ज्योतिषी है ये ज्योतिषी सब कुछ सबसे बताते हैं हाथ देख के लकीरें देख के तो ही उनके पास वो गए कि उनसे बोला कि राजा बनूंगा कुछ होगा हो ऐसा कुछ कहा तुम्हारी लकीरें बड़ी बात है राजा बनना तो दूर की बात है तुम राजा नहीं बन पाओगे कभी है ही नहीं लकीर तुम्हारी कोई ऐसी नेपोलियन को बड़ा बुरा लगा कि लकीरों में ऐसा नहीं लिखा है बच्चे थे तब वो इन्होंने अपने ब्लेड से अपने हाथों में कई लकीरें कई सारी लकीरें बनाई ब्लेड से अपने हाथों में ऐसा करना मत भैया मैं बता रहा हूं कहानी है ऐसी कई सारी लकीरें बनाई उन्होंने और फिर वो अगले दिन उस ज्योतिषी के पास गए बोला कोई लकीर बनी ऐसी इसमें कोई लकीर बनी इसमें ऐसी जो राजा के समान हो ज्योतिषी ने उसके हाथ जोड़ के कहा तुम्हारा निश्चय इतना दृढ़ है कि लकीर हो चाहे ना हो तुम राजा जरूर बनोगे फिर नेपोलियन क्या किए ये आप सब जानते हैं उसके बाद ठीक है तो इतनी सी बात है कि हमेशा जो है वो अब यहां पर दो टी बनते हैं कहा बनते हैं हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है है ना याद रखना बेटा तो इन्फॉर्मेशन शुड बी वेरी वेरी करेक्ट एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में रहना चाहिए ठीक है चलिए अब क्वेश्चन दिमाग में फिर से आ गया कि यार ये जो इतना सब कुछ चला है इसमें सर ने बार 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 बार, बार हर बार इमेज दिखाया तो एक 80 सिंथेस दिखाया और उसके बाद हाइड्रोजन आयन को नीचे दिखाया इकट्ठा ल्यूमेन के अंदर और बार बार हाइड्रोजन आयन को भगा ही नहीं रहे वहां से दिखाते रहते हैं उसको और बताते भी कुछ उसके बारे में चलो अब एनसीईआरटी कई जगह पे बड़ा खतरनाक काम करता है जैसे उसने क्या किया जहां पर कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी होना चाहिए प्रेजेंट रेस्पिरेशन के अंदर वहां पे नहीं दिया उसने ठीक है उसने फोटो में डाला हुआ है मैं टेक्निकली इसको जो है सही नहीं मानता हूं लेकिन तब भी अब डाला हुआ है तो भी ये डाला हुआ है कि अब लिखा है तो मानेंगे और लिखे पे तो लोग लड़ लेते हैं कहीं कुछ लिखा है उस पर तो लोग दिमाग लगाए बगैर लड़ लेते हैं समझ नहीं सारा ठीक है इसलिए पढ़ लेते चलो ना लेकिन मैं इतना ही कहता हूं बेटा एक छोटी सी बात मैं अपने बच्चों से बुला कहना चाहूंगा हो सकता है कई बच्चों को जो है एक जो कमांडोज नहीं है उन्हें बुरा लग सकता है पर मैं एक छोटी सी बात कह चाहूंगा किसी भी धर्म में किसी भी रिलीजन में यदि कोई बात ऐसी लिखी है जो किसी दूसरे ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचाती है किसी भी रिलीजन में कोई बात ऐसी लिखी है जो किसी दूसरे ह्यूमन बींग को जो है वो अदर रिलीजन का हो अदर कास्ट का हो अदर व्यक्ति हो उसको नुकसान पहुंचाती है तो सोचिएगा जरूर इस बात पर कि ईश्वर दयालु होता है ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, ये प्रकृति कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है तो इसका मतलब ये है कि हमने बातों को गलत इंटरप्रिटेशन किया उसका हम नहीं समझ पा रहे हैं वो लिखा क्या है हम अज्ञानी हैं, हम ज्ञानी होने का दावा करते हैं पर हमारे पास ज्ञान नहीं है यदि हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर बट रहे हैं तो हम अज्ञानी हैं हमारे पास ज्ञान नहीं है धर्म जोड़ने वाला होता है धर्म हमको एक नेक राह पे चलाने वाला होता है धर्म हमको कभी भी जो है पथ भ्रष्ट नहीं करता है धर्म हमें कभी भी लड़ने की प्रेरणा नहीं देता है धर्म हमें मिलकर रहने की प्रेरणा देता है और यदि आपको लगता है कि कोई धर्म ऐसी प्रेरणा दे रहा है तो यकीन मानिएगा आपका गलत इंटरप्रिटेशन है उसके लिए चाहे कोई रिलीजन हो हो सकता है मेरी बात से आपसे कई लोग सहमत ना हो पर मैं वही बोलूंगा आपसे जो मुझे मेरी आत्मा को जो स्वीकार है जो मुझे सच लगता है जो मैं मानता हूं सच है जो मुझे ऐसा लगता है कि दी वर्ल्ड शुड बी ए ग्लोबल कंट्री वर्ल्ड शुड बी, बी इन पीस वर्ल्ड शुड बी इन पाथ कि हम ह्यूमैनिटी को कैसे और बेहतर कर सकते कैसे मानवता के लिए कुछ और बेहतर कर सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चले आप बोलोगे सर कहां से बात कहां कहां प्रोटॉन था और कहां पे जो है आपके ज्ञान की बात गई नहीं बेटा मैं हमेशा कहता हूं ना कि हम लोग केवल ब्रेन देखिए व्हेन आई एम टीचिंग यू यू आर नॉट जस्ट ओनली ब्रेन आप केवल मस्तिष्क नहीं है आपकी सोल है आपके थॉट प्रोसेस है आपका मन है आप एक पूरे के पूरे व्यक्ति हैं और आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आप समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति हैं इसका मतलब यह है कि आई शुड एड्रेस योर सोल ऑल्सो नॉट ओनली ब्रेन तो वी हैव 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 टू 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 ट्रेन 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 ब्रेन वी वी सोल थॉट प्रोसेस ठीक है चलिए तो अभी बात करते हैं हम कैमी ऑस्मोटिक हाई प्रोसेस की बात करते हैं

वी कैन से लॉट ऑफ थिंग विदाउट सेनीथिंग कई बार हम कुछ कहे बगैर बहुत कुछ कह देते और वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है समझ रहे ठीक तो भी लाइक इंड रेस्पायरेशन मतलब पढ़ ले भैया शोषण में जाके अब ठीक है इन फोटोस टू ए टिपिस इज लिंक डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस देंट आप सारा खेल क्या है सारा खेल ये है कि एक मेमब्रेन होगी उसके आर पार एक प्रोटॉन का अंतर होगा ग्रेडियंट ग्रेडियंट का मतलब है दो पॉइंट के बीच अंतर ग्रेडियंट का मतलब है दो पॉइंट के बीच अंतर एक में एक में आर पारोटोन हाइड्रोजन आयन का अंतर होगा दो जगह पर एक, एक, एक तरफ प्रोटोन होंगे एक तरफ अधिक होंगे और ये जो अंतर होगा यही ग्रेडियंट होगा और एक होगा प्रेशर कुकर की के समान देखो, just like, मैं अब आपको बताता हूं इमेजिन करते इमेजिन करते हैं हम कि कैसे काम होता है घर में खाना पकते देखा है प्रेशर कुकर को इस्तेमाल हो देखा है, प्रेशर कुकर के अंदर दाल को डाला हमने चावल बड़ा। आज मैं आपको चावल बनाना सिखाता हूं ठीक है चावल को धोया धोने के बाद चावल को गलाया कुकर में डाला डालने के बाद कुकर में पानी डाला फुल, फुल।, फुल बंद भर देना भैया ठीक है उस पर इतना ऊपर ले लिया ये मेरे को मेरी वाइफ ने सिखाया हुआ है कि कभी तुम अकेले हो ना घर में ना तो कम से कम चावल वरा खा लेना उसको पता ही नहीं कि मैं मैगी बना खा सकता हूं ठीक है वो सोचते चावल वराग खाएगा अकेले में तो लेकिन अभी तो अच्छा हो भला हो स्विगी का स्विगी से मंगा लो कुछ भी अभी मेरी बात सुनवा रहे कहां बाप मैं घूम जाता हूं जब पहुंच जाता हो दोड़। दोड़। मैं आपसे कहा बोला थोड़ा सा अपने पानी का लेवल बढ़ा के उसमें डाल दिया आपने ठीक है अब ढक्कन लगाया आपने ऊपर विसिल लगाया आपने कुकर पे तीन सीट के बाद गैस बंद कर देना मेरे को सिखाया गया है जो सिखाया गया बता रहा हूं जैसे सिखाया गया वैसे बता रहा हूं तो अब सुनिए बात चावल को जब मैंने रखा कुकर के अंदर ऊपर विसिल लगा दिया तो एक्चुअली में हो क्या रहा है एक्चुअली में आप हीट दे रहे लगातार हीट दे रहे पानी बॉइल कर रहा है अंदर कुकर के अंदर और उसके अंदर भाप भाप बन 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 रही 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 है 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 वेपर्स 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 जो जो वो को बाहर निकलने की कोई जगह ही नहीं है बाहर नहीं निकल सकती वो अंदर इकट्ठा हो रहा है कब तक अंदर इकट्ठा होता रहेगा जब तक अंदर इकट्ठा होता रहेगा जब तक कि बाहर और अंदर की वेपर्स का देखो बाहर के वायुमंडल में भी वेपर्स हैं पर कम है कुकर के अंदर जो है वो स्टीम हाई एनर्जी पर वेपर्स बन रहा है और अब क्या होगा अब एक लेवल ऐसा आएगा जिस लेवल के बाद में विसिल सिटी ऊपर बजेगा कुकर का सिटी बजेगा एक्चुअली कुकर का सिटी क्यों बजता है इसलिए बजता है वो अंदर इतना भाप हो चुका है कि यदि उस वेपर्स को बाहर नहीं निकाला गया तो कुकर फट जाएगा तो विसिल से हाई एनर्जी पे वो वेपर्स बाहर निकलता है और इतना भारी विसिल जो ऊपर रखा होता है वो ऊपर उड़ जाता है जोर की सीटी की आवाज आती है हाई प्रेशर से वो वेपर बाहर रहा है जोर की, जो की आवाज आती है ठीक है अब बोलोगे सर ये चावल पकाना बीच में कैसे आ गया ये? ये तो बता दो पहले हाँ ठीक है कहने का मतलब ये है इमेजिन एक कुकर के समान है ठीक है थैलेक्वाइड एक कुकर के समान है और ये कुकर का अंदरूनी हिस्सा है ल्यूमेन ठीक है बाहर का जो हिस्सा है वो है स्ट्रोमा जो बाहर है वायुमंडल के कुकर समझ लीजिए आप इसको इमेजिन इस लाइक कुकर आप अंदर क्या हो रहा है अंदर हाइड्रोजन आयन इकट्ठे हो रहे हैं अंदर हाइड्रोजन आयन इकट्ठे हो रहे हैं, हैं। ल्यूमेन के अंदर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन अंदर इकट्ठे हो रहे हैं मतलब भाप इकट्ठे हो रहे हैं कंडीशन बन गया ठीक है और सिटी क्या है है, का कुकर में क्या था? का हो रहा था, यहां पर हाइड्रोजन आयन का डिफरेंस हो रहा है एक लेवल के ऊपर जब हाइड्रोजन आयन का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि यदि उसको यदि मेम्ब्रेन के आर पार हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल जो है वो वो बैलेंस नहीं किया गया तो मेमब्रेन रप्चर कर सकती है ठीक है तो अब हाइड्रोजन आयन को क्या हुआ हमने से इसे बाहर निकाल दिया बाहर 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 निकाल दिया बाहर आ ठीक है अब कुकर कुकर का का जब जब, जब निकला था जोर का विसल बजा था कि नहीं था? कुछ काम ऊपर आया वर्क डन आया। क्या लगता आपको फिजिक्स नहीं आती मेरे को अपने जमाने में मैं फिजिक्स अच्छा पढ़ता था बेटा तो क्या हुआ विसल ऊपर उठा डिस्प्लेस किया अपनी पोजीशन से और जोर का सिटी मिला यहाँ पे वह कोई कोई काम हुआ पे वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे जैसे ही ये हाइड्रोजन तेजी से बाहर निकलेगा ना तो एनर्जी को रिलीज करेगा और वही एनर्जी हम एटीपी बनाने में इस्तेमाल करते हैं एटीपी सिंथेस उसी एनर्जी से बॉन्ड क्रिएट करेगा और एडीपी और फॉस्फेट एडीपी और फॉस्फेट को जो है वो एटीपी में कन्वर्ट कर देगा ठीक है और याद रखिएगा ये जो, यहाँ पे, जो वो, सब कुछ हो रहा है की तो आप तो दिमाग में डाल लो से कि जो है, वो कुकर के समान है कुकर की ठीक है।, है, है।, है चलो देखो आप है ना अरे यार जो बताया वही तो वैसे देख ना कुकर कुकर के जैसे दिख रहा है और क्या दिख रहा है हाँ ठीक है तो एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं हमने आपसे कहा कि देखो बेटा ना अब मैंने आपको एक अब आप बोलोगे सर ये तो बतला दो अंदर प्रोटॉन इकट्ठे क्यों हुए कैसे आए देखो दो इसके सोर्स है बेटा कैसे आए नंबर एक पहला सबसे बड़ा सोर्स है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और मैंने कहा था कि फोर्टोस्टम सेकंड में जो वाटर को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स है वो फोटोस्टम से जो मेम्ब्रेन पर इनर साइड में होता है तो वाटर जो है वो ल्यूमेन का वाटर टूटता है ल्यूमेन का वाटर टूटा इलेक्ट्रॉन को ले लिया बाहर ऑक्सीजन बाहर निकल गया प्रोटोन अंदर रह गया तो नंबर एक जो ल्यूमेन के अंदर जो वॉटर टूटा उससे प्रोटोन आया ठीक है दूसरा और कैसे आया

जब साइटोक्रोम जब साइटोक्रोम जब साइटोक्रोम के थ्रू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मूव किया तो भी प्रोटॉन अंदर आ गया तीसरा जो बाहर के प्रोटॉन स्ट्रोमा के प्रोटॉन है वो एनएडीपी प्लस में इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बाहर के प्रोटॉन अपने आप भी कम हो रहे हैं तो इसके चलते क्या हुआ बाहर और अंदर बन गया मतलब स्ट्रोमा में धीमे धीमे स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन में कमी आ रही है और थैलेक्वाइड के ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ये अंतर इतना बढ़ जाएगा एक लेवल के बाद कि मेम्ब्रेन के आर-पार एक इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा और उस इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को हम प्रोटोनोमोटिव फोर्स बोलेंगे प्रोटोनोमोटिव फोर्स बोलेंगे शॉर्ट में इसको बोलेंगे पीएमएफ प्रोटोनोमोटिव फोर्स प्रोटोनो मोटिव फोर्स बोलेंगे इसको हम के और यह फोर्स को रिलीज करने वाला पॉइंट होगा कुकर की सिटी के समान एटीपी सिंथेज इस फोर्स को रिलीज करेगा और जब इस फोर्स को रिलीज करेगा प्रोटोन को बाहर छोड़ेगा तो एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम एटीपी को बनाने में करेंगे हम ठीक है क्लियर देर इज वन डिफरेंस दो हेयर द प्रोटोन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन ल्यूमेन में होता है याद रखिए अब माइटोकोन्ड्रिया में कहां होता है माइटोकोन्ड्रिया में जो प्रोटोन का एक्यूमुलेशन है वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है ये हम तब पढ़ेंगे रेस्परेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अभी इतना सा कि अभी हमको केवल फोकस करना है फोटोसिंथेसिस पे तो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं वो की, के ल्यूमेन अंदर होते हैं ठीक है रेस्पिरेशन में ही कहां होते हैं ये दोनों मेम्ब्रेन मेम्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं ठीक है क्लियर देखिए एनसीईआरटी का इमेज है बेटा अच्छे से याद रखना है हमको क्योंकि यदि हम इस इमेज पे क्वेश्चन किसी इमेज पे डायग्रामेटिक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ठीक है बेटा देखो ना तो मैं अब देखो हम समझने की कोशिश करते हैं कि अंदर प्रो में प्रोटोन कैसे बढ़े लेट अस अंडरस्टैंड वॉट कॉज इज दोटोन ग्रेडियंट एक्रॉस द्यो क्यों क्यों मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन ग्रेडियंट बना ठीक है वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप दैट कॉज प्रोटॉन प्रोटोन ग्रेडियंट टू डेवलप कैसे नंबर एक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लस इनर साइड ऑफ प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस बाई इसमें कोई डाउट कोई डाउट नहीं इसमें मैंने आपसे कहा कि जो वाटर टूटता है वो ल्यूमेन का वाटर होता है जो एंजाइम होता है तोड़ने वाला वाटर को वो थेलेक्वाइड की पर इनर साइड में होता है ठीक है तो जो वाटर टूटा वो ल्यूमिन के अंदर टूटा ठीक है तो अंदर इकट्ठा हो गया देखो ये है ना देखो है ना वाटर टूटा ये वाटर को तोड़ा गया यहां पे तो देखो ये प्रोटॉन अंदर आ गया ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन को कैरी कर ले जाएगा आगे दूसरा एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम

ये ऐसे होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन भी कैरी करते हैं और ये प्रोटॉन भी कैरी करते हैं और ये बाहर तरफ था, आउटर तरफ साइड सरफेस पे होते हैं मेम्ब्रेन पे तो इनको जैसे इनको इलेक्ट्रॉन मिलता है ना तो ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन भी ले, ले लेते हैं बाहर से। बाहर से से प्रोटॉन ले लिया अब प्राइमरी एक्सेप्टर ने अपना प्रोटॉन दिया और इलेक्ट्रॉन दिया को प्लास्टिक ने क्या किया पीक्यू जो था उसने प्रोटॉन भी ले लिया इलेक्ट्रॉन भी ले लिया अब उसने साइटोक्रोम को दिया आगे तो साइटोक्रोम ने क्या बोला साइटोक्रोम ने बोला बॉस हम तो केवल इलेक्ट्रॉन लेते हैं यह प्रोटोन वोटोन चाहिए हमको तो प्रोटॉन का मैं क्या करूं तुम जानो तेरा काम जाने तो प्लास्टिक प्रोटॉन को छोड़ दिया ल्यूमेन के अंदर और इलेक्ट्रॉन ले लिया साइटोक्रोम ने जब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो प्रोटॉन भी अंदर आ रहा है क्यों अंदर आ रहा है क्योंकि भाई जो शुरू में शुरू में जिसने इलेक्ट्रॉन लिया था उसने प्रोटॉन भी ले लिया उसने प्रोटॉन भी ले लिया आगे दिया को उसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया प्रोटोन ले लिया पर साइटक्रोन ने बोला नहीं, नहीं, नहीं हम नहीं लेंगे प्रोटोन तो उसने ल्यूमन में छोड़ दिया प्रोटोन इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको ठीक है दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स ए प्रोटॉन फ्रॉम द स्टोमा और से क्या होता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन जितनी बार मूव करेगा तो स्टोमा से प्रोटॉन अंदर आता चला जाएगा लगातार व्हेन दिस मॉलिक्यूल मोलिक्यूल ऑन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन द प्रोटॉन इज रिलीज ऑन द इनर साइड ऑफ द द साइड ऑफ मेम्ब्रेन ठीक है तो साइटोक्रोम चूंकि केवल इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं तो शुरुआती कैरियर जो है प्रोटॉन भी ले चुके होते हैं स्टोमा से तो वो अंदर की ओर में प्रोटॉन को छोड़ देते हैं तो दूसरा कारण ये हो गया देखिए कैसे देखो ध्यान से देखो ये इमेज एनसीईआरटी का सब बतला रहा है प्रोटोन स्ट्रोमा से ठीक है पी क्यू प्लास्टिक क्या बन गया पी क्यू एच बन गया देख रहे हैं है ना और आगे चलिए क्या क्या उसने को उसने के, केवल इलेक्ट्रॉन दिया को उसने और प्रोटॉन को अंदर छोड़ दिया उसने जो मैं कह रहा हूं ना कि साइटोक्रोम ने बोला इलेक्ट्रॉन लेंगे प्रोटॉन नहीं लेंगे अंदर छोड़ दिया उसने प्लास्टिक ने जो बताया वही दिखाई पड़ रहा है इमेज में इमेज को समझो अच्छे से सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है इसके अंदर ठीक है तीसरा

और डाटा कन्वर्ट कर रहे हैं आप उसमें प्रोटोन एड कर रहे हैं तो इससे प्रोटोन जो है वो स्टोमा के प्रोटोन रिमूव होने लगते हैं जो स्टोमा के अंदर ऑलरेडी प्रोटोन, थे, थोड़े बहुत प्रोटोन थे उनको भी कुल की के अंदर प्रोटॉन इकट्ठे होते चले जाएंगे ठीक है और बाहर प्रोटॉन कम हो जाएंगे स्टोमा में स्टोमा में प्रोटॉन कम हो जाएंगे ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ जाएंगे ठीक है

एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो भी प्रोटॉन को अपने पास रख लेता है ठीक है तो स्टोमा में प्रोटॉन लगातार कम हो रहे होते हैं जबकि ल्यूमेन में बढ़ रहे होते हैं दिस क्रिएट्स ए प्रोटॉन ग्रेडियंट इससे क्या होता है कि थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन मैंने कहा ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे हाई हाई, हाई प्रोटॉन आता है और जो स्टोमा में क्या होता है लो प्रोटॉन लेवल होता है हाइड्रोजन कम रहते हैं

चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होगा उसको प्रोटोनोमोटिव फोर्स बोलेंगे और उस रिमूव तो करेंगे, करेंगे आप तो इससे एनर्जी निकलेगी ठीक है ये बिल्कुल वैसी वाली बात है कि एक लड़का ये ठीक है एक लड़का ये ठीक है दोनों ने क्या किया दोनों ने जो है वो रस्सी खींचने की प्रतियोगिता शुरू की उन्होंने टग ऑफ वॉर ठीक है दोनों रस्सी को खींच रहे हैं ये रस्सी को अपनी ओर खींच रहा है ये अपनी ओर खींच रहा है और यहां पे क्या यहां पर ये बॉर्डर बार बना हुआ है कौन किसको खींच पाता है वो कहता है मेरे में ताकत है वो कहता है मुझ में आया ताकत है मैं इसको इधर खींच लूंगा वो कहता है नहीं मेरे में ताकत है ताकत मैं इसको इधर खींच लूंगा दोनों कर रहे हैं रस्सी खींच रहे हैं रस्सी में तनाव है ये पूरा दम लगा दिया इधर खींचने के लिए इसको ठीक है ये भी पूरा दम लगा रहा है देखिए रस्सी में तनाव है आप आपको लगा कुछ करते हैं आपने केची उठाई एक और केची उठाई आपने एक, एक और केची से रस्सी को काट दिया आपने क्या केची उठाया और केची से रस्सी को काट दिया रस्सी को जैसी रस्सी को काटेंगे आप तो क्या होगा क्या होगा दोनों धड़ाम धड़ाम गिर जाएंगे ये वाला स्तर गिर जाएगा वो गिर जाएगा क्यों गिर जाएगा और दोनों गिरने के बाद उठकर किसकी ओर जाएंगे समझ <laughs> गए ना आप क्यों जाएंगे? लेकिन ऐसा करना मत ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि खींचने के बाद रस्सी को आपने काट दिया तो एक इधर गिर गया गया गिर। क्यों गिरा गिरा क्यों क्योंकि रस्सी में फोर्स था एक एक हुआ हुआ खींच रहे थे न उसका पूरा तनाव रस्सी तनाव रिलीज हो तो इधर गिर गया इधर गिर गया हैपेंस कि मेमब्रेन के पार प्रोटॉन का ग्रेडियंट इतना ग्रेड इकट्ठा हो चुका है जैसे हम ग्रेडियंट को डिस्ट्रॉय करते हैं

पढ़ेंगे तो अभी मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं बेटा तो अभी मैं आपको सिंथेसिस के बारे में केवल सुपरफिशियल बताऊंगा आपको मैं बाकी हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे में तो सिंथेसिस में जो उप... देखो अब ये इसके बारे में सेलिट ऑफ लाइफ में पढ़े हुए हम के इसका दसवा भाग होता है एफ जीरो और उभरा भाग उसका होता है एफ वन उभरा भाग उसका एफ वन होता है ठीक है ठीक तो एफ जीरो वाले प्रोटोन टनल प्रोवाइड करता है और उससे प्रोटोन को रिलीज करते देखिए ऐसा होता है एंड दिस इज दीपी सिंथेस जो कि प्रोटोन को रिलीज करता है यानी देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है यहाँ पर प्रोटोन जो है वो हाई हाई प्रोटोन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर होगा बेटा और यहाँ पर जो है वो लो होगा तो इसने इसको मूव किया यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज होगा और इस एनर्जी से हम जो है वो ए बना पाएंगे हम एंड दिस इज दी एग्जैक्टली दिस इज दी ए टी पी सिंथेस ये एक्चुअली में ए टी इसका जो अंदर वाला जो भाग है ये जो भाग है बेटा ये अंदर वाला दसा हुआ जो भाग है ये है सी एफ जीरो है और ये जो ऊपर भाग वाला भाग है ये एफ वन है ये कैसे काम करता है क्या इसका स्टाइल काम करने का कैसे ये एनर्जी कन्वर्जन रोल प्ले करता है हम आगे सब देखेंगे देखेंगे देखेंगे। तो अब आपको दिखाई पड़ रहा है इंटरम्बर स्पेस को देख रहे हैं आपके यहां पर हम बजाय मैट्रिक्स के हम क्या वर्ड यूज करते हैं हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे यहां पे हम लेते हैं इसको ये हो गया है आपका स्ट्रोमा ठीक है ये हो गया आपका ल्यूमेन ठीक है और ये हो गया आपका की ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं इसने प्रोटोन को अंदर से बाहर रिलीज किया इसने और उससे क्या उससे जो है वो ए जो है आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं यहां पे, ठीक है क्लियर दीपी सिंथेस्ट ऑफ टू पार्ट एक को हम सी एफ जीरो बोलते हैं इट इज़ एमरेड इन दैलेक्वाइड मेमरिट का होता है बेटा और ये ट्रांस मेमर चैनल प्रोवाइड करता है मतलब जो प्रोटॉन को निकलने की जगह होती है चैनल होता है वो ये प्रोवाइड करता है और फैसलेट डिफ्यूजन मतलब प्रोटॉन जो होते हैं, uh, मतलब हैं वह कैरियर के थ्रू ही बाहर निकल सकते हैं और वो कैरियर वो टनल जो है वो ये प्रोवाइड करता है जब टनल से कोई आयन बाहर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं फैसिलेड डिफ्यूजन कहते हैं उसे हम दोर्शन इज सी एफ वन जो कि बाहर के उभरा होता है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन से बाहर उभरा होता है स्टोमा की तरफ होता है याद रखना डायरेक्शन स्टोमा की तरफ होता है डायग्राम देखा भी हमने ठीक है और ये ग्रेडेंट को ब्रेक करते हैं और उससे इतना एनर्जी निकलता है कि ये एटीपी सिंथेस जो है वो वो ADP को एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी जो ग्रेडियंट रिलीज होगा प्रोटोन रिलीज होगा एनर्जी निकलेगा कि उससे जो है वो सी एफ वन होता है, वो, uh, जो का, जो है, करता है और ये एटीपी को एडीपी को एडीपी को ए टीपी में ये कन्वर्ट कर देता है ठीक है तो कुल मिला के ये बात है कि कैमी ऑसमोसिक थ्योरी के लिए चाहिए क्या आपको एक तो चाहिए आपको एक मेम्ब्रेन चाहिए आपको जिसके आर पार आप फोर्स क्रिएट कर सके एक प्रोटॉन पंप चाहिए जो कि आपके प्रोटॉन को एक तरफ इकट्ठा कर सके प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना चाहिए दो पॉइंट के बीच अंतर होना चाहिए, और होना चाहिए चाहिए और एटीपी कैमी ऑस्मोसिस की जो रिक्वायरमेंट है ये देयर इज यू नीड अ मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है आपको जिस मेम्ब्रेन के आर पर आप प्रोटॉन ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश कर सके और प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए आपको प्रोटॉन पंप भी चाहिए पड़ेगा ताकि एक तरफ प्रोटॉन इकट्ठे होते रहे और जो इकट्ठे प्रोटॉन हो चुके हैं उनको उनकी एनर्जी को रिलीज करने के लिए आपको एटीपी सिंथेस भी चाहिए पड़ेगा तके. एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटोन अक्रॉस देंट टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन विद इन दी है याद रखिएगा ऊर्जा खर्च करते हैं हम और प्रोटोन को हम एक तरफ इकट्ठा करते हैं अब ये एनर्जी हमको सनलाइट से भी मिल सकती है किसी और कार चीज से भी मिल सकती है तो कुल मिला के बात ये कि कैमी ऑस्मोटिक थोड़ी कहती है कि एक मेम्ब्रेन चाहिए हमको प्रोटोन पंप चाहिए प्रोटोन ग्रेडियंट को स्टेब्लिश करना पड़ेगा फिर उस ग्रेडियंट को रिलीज करेंगे एटीपी तो सिंथेस से तो हम एटीपी को बना पाएंगे ठीक है क्लियर ATP Synthase has a channel that allow diffusion of proton back across the membrane. This releases enough energy to activate ATP Synthase, synthase enzyme that catalyze the formation of ATP. Okay. Along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stoma

पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन को अच्छे समझ चुके हैं। मतलब लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है क्या साइटोक्रोम तो है में कैसे परिवर्तन है, समझ चुके हैं कि एटीपी आया तो कहां से आया एनएडीपीएच आया तो कहां से आया ऑक्सीजन निकली तो कैसे निकली वो सब समझ चुके हैं नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अब एटीपी और एनएडीपीएच से सीओ को हम फिक्स कैसे करते हैं ठीक है डार्क रिएक्शन बात करेंगे उम्मीद है आपको बेटा समझ में आया होगा कोई पॉइंट मिस मत करना बेटा सारा कॉन्सेप्ट है रटने की कोई जरूरत नहीं है सब कुछ हमको जो है वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल द बेस्ट हाय टू बिकम एन ऑफिशियल कमांडो एट बायो मेंटर्स जॉइन अस एट www.biomenters.online हियर यू कैन सॉल्व डेली प्रैक्टिस An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentor's online app from Google Play Store.